दही के आलू तो सबने खाए होंगे, दही से कढ़ी भी सबने बनाकर खाई होगी, पर क्या कभी दही का पनीर खाया है? सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, है ना? और उसके ऊपर मैं बोलूं दही अचारी पनीर, तो आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन आज चस्का मस्का में हम आपको सिखाएंगे दही अचारी पनीर। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लूंगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। इसमें मैं 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम। इसमें 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे हम। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी हम ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे हम। इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून पुदीना पाउडर ऐड कर देंगे। पुदीना जो होता है उसको हम सुखा के उसको हम पीस लेते हैं तो वो पुदीना पाउडर बन जाता है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और इन सारी चीजों को अब हम मिक्स कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें हम अब ये पनीर देंगे और इसको अच्छे से कोट कर देंगे हम, ताकि मसाला हर जगह पे हमारा लग जाए। ऐसे हम सारी पनीर की क्यूब्स ले लेंगे और मैंने 1/2 केजी पनीर लिया है। ये देखिए मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिए सारे पनीर क्यूब्स। अब इसे शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड भी ले सकते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये हम अपनी पनीर की क्यूब्स इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। इसको हम पलट लेते हैं सारे पनीर के हम पीसेस को। ये मैंने 1 कटोरी काजू लिए हैं। ये हम 3/4 कटोरी इसको बॉईल करेंगे और 1/4 कटोरी हम बचा के रखेंगे। एक पैन में मैंने पानी ले लिया है। इसमें मैं 3/4 कटोरी अपने ये चॉप्ड कैशनट, आप चाहें तो साबुत कैशनट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप्ड लिए हैं। चॉप्ड मार्केट में मिलते हैं, ये सस्ते भी मिलते हैं और ये ग्रेवी के लिए ही यूज होते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने मगज ऐड कर दी है। अब इसको 6 to 7 मिनट्स हम बॉईल करेंगे। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल इसलिए यूज किया है कि इसमें ना एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी और अचारी फ्लेवर आएगा। आप जब ये पनीर खाएंगे वो रिफाइंड में आपको ना तो टेस्ट आएगा ना फ्रेग्रेंस आएगी। ये शैलो फ्राई अच्छे से हो चुके हैं दोनों साइड से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मैंने 1/2 केजी कर्ड ले लिए। इसको विस्क करेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से विस्क करना है हमें अपनी दही को। इसमें हम 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैं ऐड करूंगी और इन सारी चीजों को हम विस्क करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मैंने सारी चीज मस्टर्ड ऑयल में ही शैलो फ्राई की हो, चाहे मैं ग्रेवी बना रही हूँ, सब मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं 2 हरी इलायची और 2 लौंग इसमें ऐड कर देंगे हम और 1/4 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ग्रेटेड अदरक मैंने ऐड कर दी है। 4 से 5 चॉप्ड हरी मिर्च ऐड कर दी है इसमें मैंने
और इसको थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे, रोस्ट करेंगे। इसमें मैं 3-4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए, ये हमारा खड़ा मसाला और अदरक, हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दही का बैटर रेडी किया था इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको हिलाते रहेंगे 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे। ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं, ये बॉयल हो चुके हैं। इसको हम स्ट्रेन कर देंगे और फिर इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये देखिए स्ट्रेन कर लिया है, अब इसको हम ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने काजू और मगज का पेस्ट रेडी कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। ये 2-3 मिनट हो गए हैं, ये हमारा बॉयल हो गया है। अब ये जो हमारा काजू और मगज का पेस्ट है इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और ये जो मैंने 1/4 कटोरी चॉप्ड कैश्यू नट बचाया था इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम 6-7 मिनट्स तक पकाएंगे। ये 3 मिनट हो चुके हैं, इसको अभी हम पका ही रहे हैं, अभी 5 मिनट और पकाएंगे इसे हम। ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं और ये जो ग्रेवी है थोड़ी थोड़ी थिक हो गई है। अब इसे 2 मिनट तक और हम बॉईल करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, इसमें 1/4 टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी और इसमें 1/4 टीस्पून हम काला नमक ऐड कर देंगे। पहले आप सॉल्ट टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम हो तो आप काला नमक ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैं नमक जो का रेशियो है वो कम रख रही हूँ, बिकॉज मेरे को काला नमक ऐड करना था। ये देखिए ग्रेवी जो है वो हमारी थिक हो चुकी है, अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। इसमें मैं पनीर के पीसेस ऐड कर दूंगी अब, हमने शेलो फ्राई कर लिए थे मैरिनेट करके। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसको अब हम 2 मिनट लो फ्लेम पे और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी एंड में ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। बनी है ना टेम्पटिंग, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। इस बार करवा चौथ का व्रत इसी से खोल डालो और वीडियो को लाइक भी कर डालो। मिलते हैं जल्दी से नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।